हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमारा आज का वीडियो है आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, और आज का जो हमारा वीडियो है वो आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अपडेट है दोस्तों, जिसका कि वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि ऐसा कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज का जो हमारा अपडेट है वो आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और आगरा यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स को और फाइनल एग्जाम्स के फॉर्म को लेकर के एक डेट फिक्स हो गई है। और चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये सारी बातें। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, जो भी मेरी अगली वीडियो आएगी उसको आप आसानी से देख सकेंगे, टाइम से पहले अपडेट हो सकेंगे। दोस्तों आज का जो अपडेट है वो है आगरा यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके जो फाइनल एग्जाम्स हैं और फाइनल एग्जाम्स के जो फॉर्म्स भरे जाएंगे उसकी डेट आ गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ जो आगरा यूनिवर्सिटी ने मुझे सेंड किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जितने भी स्टूडेंट्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कनेक्टेड हैं जो पढ़ रहे हैं उसमें, उन सभी स्टूडेंट्स की जो मुख्य परीक्षा होंगी, फाइनल एग्जाम्स जिसे बोलते हैं, वो 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी और 15 अप्रैल तक चलेंगी। ठीक है, 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी भी परीक्षा होंगी वो इसी दिनों के बीच में चलेंगी। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन एग्जाम्स को होने से पहले आपके जो फॉर्म्स भरे जाते हैं उसकी भी डेट आ चुकी है, उसकी भी डेट फिक्स हो गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके। देखिए दोस्तों, छात्रों के परीक्षा फॉर्म 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक ही उनके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेजों को 18 से 22 दिसंबर तक विश्ववार सूची देनी होगी, जिसमें वेब रजिस्ट्रेशन, छात्रों की सूची और परीक्षा शुल्क की जानकारी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसमें से मेन मेन चीजें जो हैं अपडेट में से। देखिए, आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो होंगे आपके 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 1 मार्च से 15 अप्रैल तक चलेंगे, 1 मार्च को स्टार्ट होंगे, 15 अप्रैल तक चलेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आगरा यूनिवर्सिटी के उन सभी लोगों के। और जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम्स के, वो आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक। तो 24 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 100% आप फॉर्म भरे। फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फिर भी दोबारा से कि आपके जो एग्जाम्स फॉर्म है वो 24 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और सिर्फ 10 जनवरी तक ही भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरवाना है। और साथ में मैं आपको और अपडेट बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स फेल हैं जिनको अपनी दोबारा से ईयर करनी है, यानी कि जो एक्स ईयर वाले हैं, उनको भी यही फॉर्म भरना होगा 24 दिसंबर वाला। ठीक है, उनको भी 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक के जो फॉर्म है उनको भी यही फॉर्म भरना होगा जो फेल ईयर है। तो मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर सभी स्टूडेंट्स को जो अपनी एग्जाम्स करेंगे करंट ईयर का, उनको भी यही फॉर्म भरना है, और जो लोग फेल हो चुके हैं पिछली साल का अपना दोबारा से एग्जाम करेंगे उनको भी यही फॉर्म भरने हैं जो 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक के अंदर भरे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपके एग्जाम्स जो है फाइनली अपडेट आ चुका था मेरे पास, तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो कब होंगे वो मैंने आपको बता दिया। साथ में ये भी बता दिया कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है कब भरे जाएंगे, साथ में ये भी बता दिया कि जो लोग फेल है उनके एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में इससे भी अच्छा अपडेट आपको लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।